हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रियाज और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल रियाज इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपके साथ 10 ऐसे वर्ड्स की जो हम यूज करते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये किस ओरिजिन के हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश की। जी हाँ दोस्तों, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं हमारी इंग्लिश वोकैबुलरी में जो हम यूज करते हैं लेकिन वो अमेरिकन इंग्लिश ओरिजिन के हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो हम यूज करते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये ब्रिटिश इंग्लिश के हैं या अमेरिकन इंग्लिश के। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ वही 10 वर्ड्स ऐसे शेयर करूंगा जो अमेरिकन इंग्लिश के हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन के बराबर में एक बेल आइकन है, उसको प्रेस कर लीजिए जिससे मैं जब भी नई वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, इसमें सबसे पहला वर्ड आता है पैंट्स। दोस्तों, पैंट्स जो है वो एक अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है और इसका ब्रिटिश इंग्लिश का जो वर्ड है वो ये है, यानी ट्राउजर्स। हाँ दोस्तों, ट्राउजर्स जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है और पैंट्स जो है वो एक अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वेयरिंग माई पैंट्स, वो मेरी पैंट पहन रहा है। दोस्तों, इसमें दूसरे नंबर पर आता है रेस्ट रूम। हाँ दोस्तों, रेस्ट रूम जो है वो अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है और इसका ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड जो है वो ये है, टॉयलेट। हम वैसे तो ज्यादातर टॉयलेट यूज करते हैं लेकिन कभी कभी हम रेस्ट रूम भी यूज कर देते हैं, लेकिन रेस्ट रूम जो है वो अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है, ब्रिटिश इंग्लिश का नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू गो टू द रेस्ट रूम, मुझे रेस्ट रूम जाना है। दोस्तों, इसमें तीसरे नंबर पर आता है एग प्लांट। दोस्तों, एग प्लांट जो है वो अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है और इसका ब्रिटिश इंग्लिश का जो वर्ड है वो है ओबरजीन। जी हाँ दोस्तों, ओबरजीन जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है और इसका मतलब होता है बैंगन। फॉर एग्जाम्पल, आई लव टू ईट एग प्लांट या फिर आई लव टू ईट ओबरजीन। दोस्तों, इसमें चौथे नंबर पर आता है कैंडी। कैंडी जो हम बोलते हैं, बच्चे खाते हैं, जिसको टॉफी भी बोल देते हैं, लेकिन दोस्तों कैंडी जो है वो अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है और इसका ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड स्वीट्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, दीज कैंडीज हैव अ वेरी गुड फ्लेवर, इन कैंडीज का बहुत अच्छा फ्लेवर है। दोस्तों, इसमें पांचवें नंबर पर आता है कुकी। दोस्तों, कुकी जो है वो अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है और इसका ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड होता है बिस्किट। दोस्तों, बिस्किट को हम अमेरिकन इंग्लिश में कुकी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीज कुकीज आर वेरी स्वीट, ये कुकीज बहुत मीठे हैं। दोस्तों, इसमें छठे नंबर पर आता है पोटैटो चिप्स। पोटैटो चिप्स दोस्तों हम अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं क्रिस्प। फॉर एग्जाम्पल, आई लव पोटैटो चिप्स, मुझे पोटैटो चिप्स बहुत पसंद है। लेज आर वेरी टेस्टी पोटैटो चिप्स, लेज बहुत टेस्टी पोटैटो चिप्स होते हैं। दोस्तों, इसमें सातवें नंबर पर आता है जुकीनी। जुकीनी जो है दोस्तों अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है और इसका मतलब होता है तुरई। ये एक वेजिटेबल होती है दोस्तों और इसको अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं जुकीनी और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको बोलते हैं कूर्जर। फॉर एग्जाम्पल, हु लाइक टू ईट जुकीनी, तुरई किसको खाना पसंद है। दोस्तों, इसमें आठवें नंबर पर जो वर्ड आता है वो भी एक वेजिटेबल का ही नाम है, मैं बात कर रहा हूँ इसकी। दोस्तों, ये बीट्स यानी कि अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है चुकंदर और ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं बीट रूट। तो हम ज्यादातर बीट रूट ही यूज करते हैं लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में अगर बोलना है तो बीट्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी मेड वेरी टेस्टी डिश ऑफ बीट्स, उसने चुकंदर की बहुत मजेदार सब्जी बनाई। दोस्तों, इसमें नवे नंबर पर आता है जैम या जैली। दोस्तों, जैली जो है वो अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाता है। जैम जो हम ब्रेड के साथ खाते हैं सुबह ब्रेकफास्ट में, उसको अमेरिकन इंग्लिश में जैली बोला जाता है, जबकि जैम जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है और जैम भी बोल सकते हैं या जैली भी बोल सकते हैं, तो ये अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड एंड जैली इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रेड और जैली मेरा पसंदीदा नाश्ता है। दोस्तों, इसमें दसवें नंबर पर आता है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट का मतलब होता है दोस्तों कोई चीज खरीदने के लिए आप इंस्टॉलमेंट्स में जो पेमेंट करते हैं या अमाउंट जो आप पे करते हैं या डिपॉजिट करते हैं उसको डाउन पेमेंट बोलते हैं। डाउन पेमेंट अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है और इसका ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड होता है डिपॉजिट। फॉर एग्जाम्पल, शी बॉट अ फोन ऑन अ डाउन पेमेंट ऑफ ₹5,000 पर मंथ, उसने 5,000 पर मंथ डाउन पेमेंट पर एक फोन खरीदा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल रियाज इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।